नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को शांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने, सब आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए कई मरतबा बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देना या डायरेक्टली काम करने लग जाना, ये बेसिक नेचर में रहेगा। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए सुन सबके लेंगे आप, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और यहाँ लिटिल फिंगर का जो झुकाव है आपके थर्ड फिंगर की तरफ जा रहा है, तो ये अध्यात्म में रुचि को बढ़ाता है, यानी धार्मिक बनाता है। और इसके अलावा ये क्या करता है कि इस कंडीशन में आपका जो कनेक्शन या अटैचमेंट है आपके फैमिली के प्रति ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग खुद के लाइफ को भी थोड़े सेक्रीफाइसेस करते हुए पाए जाएंगे। वहीं लिटिल फिंगर के लिए थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में थोड़ा कम्युनिकेशन अफेक्टेड होता है, जैसे मन के अंदर अपनी बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट महसूस होना। वहीं थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ इंप्रूव है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देगा। तो कोई भी नया काम शुरू करने से कभी भी पीछे यहाँ नहीं हटेंगे, और खुद के दम अथवा पराक्रम कोशिशों को बदौलत जीवन में नेम रिस्पेक्ट अर्जित कर पाने में या सक्सेसफुल हो पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेते तो उन सारे कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी चीज़ें उत्पन्न होने लगती है। इसलिए परफेक्शन चाहिए तो एक समय पर एक ही काम करना आपको ज़रूरी रहेगा। और फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर मिलनसार किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक देखने को मिलेगा। वहीं थंब का साइज पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जो लविंग, केयरिंग टाइप के पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इसका मतलब ये रहता है कि फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड रहता है, बड़ी सरलता से समय परिस्थिति के अनुसार जैसे आप ढलते हैं वैसे ही दूसरों को जल्दी माफ़ भी कर देते हैं, और रात गई बात गई वाला नेचर देखने को मिलता है, यानी बातों को एक प्रकार से पकड़े रखना या बहुत लंबे समय तक खींचते रहना या किसी बात के प्रति सोचते विचारते रहना, ये बेसिक नेचर में नहीं रहता है। यही रीज़न है कि फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड पर्सनैलिटी को ये यहाँ पर बिल्ड करता है और लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। यहाँ पर यव का चिन्ह भी आपका डेवलप्ड है, तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य देखने जैसे दृश्य उत्पन्न होने लगते हैं, तब जब आप बहुत ज़्यादा धार्मिक रहें। और यहाँ पर लड़ाई, झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर भी देखने को मिलते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है वो आपकी लंबाई में अच्छा रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है, अपने थिंकिंग डिजायर से ज़्यादा फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। गुरु की स्थिति पर देखें तो यहाँ प्रोग्रेस लाइन भी है, जो एक एम्बिशियस नेचर की निशानी होती है, महत्वाकांक्षीपन होता है, जुनूनियत बहुत अच्छी देखने को मिलती है। हिम्मत इस कंडीशन में नहीं हारते हैं, और जो भी एक बार ठानते वो निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं, तो ये लाइफ में कंटिन्यूस ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और गुरु पर जो ये आड़ी रेखा है, ये दयालु किस्म का नेचर देता है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले और धार्मिक प्रवृत्ति के दानवीर किस्म के सोशल वर्कर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ से जितनी भी ये छोटी छोटी रेखाएं और निकल रही हैं, ये सब बच्चों से मिलने वाले लाभ को भी दर्शाता है। तो गुरु की स्थिति सामान्यतः बहुत अच्छी है, और ऐसा गुरु ज्ञान बहुत अच्छा देने के साथ साथ तमाम तरह के सुख सुविधा की पूर्ति भी करता है, इसीलिए किसी भी चीज़ की बेसिकली लाइफ में से कमी इस कंडीशन में नहीं रहती, सांसारिक सुख या पारिवारिक सुख अच्छा देखने को मिलता है। शनि का जो क्षेत्र है यहाँ पर कुल मिलाकर के विकसित ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी जो हृदय रेखा वो पहले तो शनि पर आकर के रुक गई। जब शनि पर हार्ट लाइन रुकती है तो खासकर ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सनैलिटी देती है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि ओवरलैप करके रेखा गुरु तक चल गई, जिसके कारण आप भावुक किस्म के हो, अदरवाइज आप प्रैक्टिकल नेचर के थोड़े से ज़्यादा थे। तो इस कंडीशन में दिल की ज़्यादा सुनने वाले हो जाते हैं, तो चाहे कितना ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सनैलिटी क्यों ना हो, एट द एंड फाइनल डिसीजन इमोशन बेस्ड ही लेते हुए देखने को मिलते हैं।
और दिल के साफ इंसान भी यहाँ देखने को मिलते हैं। अब जो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा है, बड़े लेट से इसका जो है उद्गम हुआ। जैसे इस उम्र को यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा 30, तकरीबन 2 का एज ये निकल के आएगा। तो 31 और 2 के एज में आपके जीवन में अर्निंग या फिर भाग्य का साथ आपको अच्छे से मिलना शुरू हुआ। करियर वाइज ग्रोथ भी तकरीबन इसी उम्र से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जब दो रेखा एक साथ चलती है, जैसे जीवन रेखा से भाग्य रेखा जब निकलती है, तो खुद के मेहनत, कोशिशों से, पराक्रम से ही आगे बढ़ते हैं, कोई नया काम शुरू करके जीवन में तरक्की करते हैं। और जब मून लकलाइन का कनेक्शन हो तो इस कंडीशन में स्पाउस का सपोर्ट अच्छा मिलता है। स्पाउस के आने के बाद कंफर्टेबिलिटी बढ़ती है, बाहरी दुनिया लोगों से भी सहयोग या प्रोत्साहन अच्छा मिलता है, जिससे हिम्मत, हौसला बढ़ता है। अब यहाँ पर यह रेखा कंटिन्यू चल रही है, यहाँ पर आपके दो दफ़ा हल्की हल्की सी राहु रेखा ने काटा हुआ है। इनका एज यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा 39 में और एक हल्का सा 41 में। मतलब ये दोनों एज में हल्का सा आपको धन हानि अथवा भाग्य में थोड़ी कमी देखने को मिलेगा इस साल भी तकरीबन। इसके बाद जाकर के फिर भाग्य रेखा की स्थिति फिर उन्नत हो रही है और फिर मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल के जा रही है जो कहीं ना कहीं आपको व्यापार में लेकर के जाएगी या फिर किसी न किसी व्यापार में या इंडिपेंडेंट वर्क में आपका ध्यान लगने के योग बनेंगे। और ये पीरियड रहेगा उम्र का तकरीबन 46। उसके बाद देखेंगे तो एक और शाखा निकल के आगे बढ़ रही है। आइलैंड का कोई ऐसा फॉर्मेशन क्लियर कट दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ये आइलैंड बनेगा तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग या आपको धन हानि बहुत बड़े लेवल का दे सकता है। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी बेसिकली ध्यान रखना है और पहले से ही प्रिकॉशन लेकर के चलने, जैसे सेविंग हुआ और इंश्योरेंस जैसी चीज़ें हुई, ताकि इन फ्यूचर कोई देसी दिक्कत ना आए। और यहाँ पर फिर आगे चल करके एक और आइलैंड का फॉर्मेशन क्लियर कट यहाँ तो दिख रहा है और ये उम्र हो रहने वाली है आपकी अराउंड 52 की। तो 52 से लेकर के तकरीबन यहाँ 56 का जो पीरियड है, ये कहीं ना कहीं आपको धन हानि या स्वास्थ्य हानि में रह सकता है और ये प्रॉब्लम ना रहे, इसीलिए अभी से ही इसका प्रिकॉशन रखना जरूरी है। और हस्त रेखा में सबसे अच्छी बात यही रहती है कि आने वाले कल में या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी तकलीफ परेशानी है, बड़ी साफ साफ तरीके से यहाँ दिख जाता है। तो इसका जो रेमेडी है वो आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली आपको हेल्थ रिगार्डिंग ही दिक्कत देगा, इसके अलावा तो कोई दिक्कत है नहीं। मेनली रीज़न उसके पीछे यह है कि आपकी जो हृदय रेखा हल्की सी फेल करके भी इस पीरियड में चल रही है, और अगर जीवन रेखा के उपरांत भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको हल्के हल्के से आइलैंड के फॉर्मेशन बनते दिखेंगे। तो कोई भी घटना के पहले छोटी मोटी दो तीन घटनाएं डेफिनेटली देखने को मिलती है, तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान रखना। बाकी इस प्रकार की भाग्य रेखा में बात किया जाए आपकी इच्छा अरमानों की, तो उसमें पूर्ण आपकी इच्छा अरमानों के होने में कोई भी कमी रहने नहीं वाला है, क्योंकि भाग्य रेखा प्रारंभ कहीं से भी हो लेकिन उसका एंड अगर सैटर्न माउंट पे होता है तो सारे इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति निश्चित रूप से देखने को मिलती है। संतुष्टि प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं, धनार्जन अच्छा होने के साथ साथ कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देखने को यहाँ पर मिलता है। तो भाग्य के विषय में कहीं से कहीं तक कमी नहीं दिख रही है उम्र तकरीबन 32 के बाद से। उसके पहले तक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव निश्चित रूप से था, सहयोग इतना अच्छा नहीं मिलता था, लेकिन 32 के बाद से भाग्य तीव्र गति से आपका चलते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अब यहाँ पर देखें आपके शनि के क्षेत्र के बारे, यहाँ पर सूर्य के बारे में, तो हृदय रेखा से ही सूर्य रेखा निकली है। और जब इस प्रकार की रेखा निकलती है, खासकर शनि के क्षेत्र से, तो जीवन उपरांत बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद काम बनते हुए देखने को मिलता है। जब शनि से सूर्य पर रेखा जाए तो काम कभी भी सरलता से नहीं बनता, रुक के देरी से या थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। आपकी सूर्य रेखा बहुत नीचे से, यानी मस्तिष्क रेखा के भी नीचे से प्रारंभ हो रही है, तो इस कंडीशन में मान सम्मान प्राप्ति के योग बहुत अच्छे निर्मित होते हैं, लेकिन सूर्य पर बस दिक्कत यही है कि बहुत सारी रेखाएं की उत्पत्ति हो चुकी है, तो इस कंडीशन में फोकस थोड़ा कम होने लगता है, हर तरफ ध्यान थोड़ा भटकने लगता है, समय रहते काम बनने में थोड़ी देरी देखने को मिलती है, जितना एक्सपेक्ट करते हैं सक्सेस उससे थोड़ा कम ही में देखने को मिलता है। तो मेन बात इसमें यह है कि फोकस स्ट्रांग रखना आपको चाहिए, कंटिन्यूटी काम में रखनी चाहिए और एक समय पर एक ही काम अंजाम देते रहना चाहिए, उसी के द्वारा सबसे ज़्यादा नाम, इज्जत, शोहरत देखने को मिलेगा। हालांकि इस प्रकार का सूर्य भी अच्छा धन जीवन में देता है, लेकिन वो धन रुक नहीं पाता, खर्चे थोड़े ज़्यादा बंधे हुए देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये रेखा आपके आकर के ट्रेंगल का फॉर्मेशन क्रिएट तो कर रही है, और ट्रेंगल का फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट करवाता है, तो आने वाले समय में, यानी तकरीबन 43-44 के एज के बाद में आपको जो है इन्वेस्टमेंट के चांसेस, खासकर प्रॉपर्टी में, डेफिनेटली यहाँ देखने को मिल रहा है। और बीच से ये कनेक्शन ले रहा है, यानी सूर्य और शनि के, तो इस कंडीशन में कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग काम से बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलने लगता है।
वहीं बात करेंगे मरकरी माउंट पर, तो मरकरी माउंट पर भी एक से अधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में नॉलेज, इंटेलिजेंसी, सीखने समझने की सक्षमता, बातों को याद रखने जैसी सक्षमता अच्छी है मरकरी देता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होने से ही गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटर रोमांटिक नेचर भी बिल्ड होता है। और हृदय रेखा में जो बात की कहा जा रहा था कि यहाँ पर आइलैंड के फॉर्मेशन और बिखराव है थोड़ा, तो यही स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी को, उतार चढ़ाव को इंडिकेट करता है, जो 52 में आपको आने की दिख रही है। और फिर हल्की हल्की से रेखा नीचे भी गई है, तो इस कंडीशन में अपनों से कभी बहुत ज़्यादा जब उम्मीदें लगा लेते हैं, जब वो उम्मीदें टूटती है, तब जाके ऐसी रेखा आती है जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। अब यहाँ पर आपकी हृदय रेखा जो शनि पर रुकी है, ये थोड़ा मनी माइंडेड ज़्यादा बनाता है, थोड़ा हिडन टाइप का नेचर भी देता है, तो मन के अंदर अपनी बात को रखने वाले देखने को मिलते हैं। और थोड़ी एक रेखा मंगल पर भी जाती हुई दिख रही है, जो थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी इंडिकेट कर रहा है, जो 22 के पहले तक आपको ज़्यादा था, लेकिन अभी के समय की बात करें तो अभी थोड़ा इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप का पर्सनैलिटी आपका ज़्यादा है, इसीलिए दूसरों पर ट्रस्ट इजिली कर लेते हैं या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा लेते हैं। अध्यात्म में रुचि इस कंडीशन में बढ़ती है, आरामदायक जीवन व्यतीत होने के लिए मशक्कत भी करते हैं, यानी जीवन में सुख सुविधा समृद्धि बढ़ सके। और इस कंडीशन में जीवन में तमाम तरह के सुख भोगने वाले भी रहते हैं, क्योंकि जब शनि और खासकर गुरु के बीच में हृदय रेखा की कोई भी श्रृंखला पहुंचती है, तो इस कंडीशन में ये लॉजिकल आंसरिंग टाइप की पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद फिर करते हैं। इसीलिए हर बात के जड़ तक जाना, अपने ख्यालों में रहना, थोड़ा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग नेचर होना, और कैसे भी कर सच का पड़ताल रखना, ये भी नेचर में आने लगता है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो मस्तिष्क रेखा का भी फॉर्मेशन आप देखिए, बहुत ज़्यादा फेल करके आपकी रेखा ये अभी चल रही है। तो जब मस्तिष्क रेखा ऐसी फेल करके चलती है, तो जीवन उपरांत से ही बहुत ज़्यादा समस्या या भागदौड़ी जीवन में बंधा हुआ देखने को मिलता है। पग पग पर चुनौतियों का सामना इसमें जो है करना पड़ता है, और थोड़े चैलेंजेस लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा सबसे ज़्यादा बिखरी हुई देखने को मिल रही है या फेल करके चल रही है, उम्र 23 से लेकर के जो है खासकर 28 के बीच में, उसका जाकर के माइंड लाइन थोड़ी थोड़ी स्मूथ होना शुरू हुई, और फिर एट द एंड आउटर मार्स से कनेक्टेड है। आउटर मार्स से माइंड लाइन जब भी कनेक्टेड होता है और सीधे मस्तिष्क रेखा होती है, तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा साहसी, पराक्रमी और सहनशीलता को बढ़ा देने वाला होता है, इसीलिए तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। और ये बहुत अच्छे बलवान किस्म के व्यक्तित्व को, मानसिकता को बढ़ाता भी है, बनाता भी है, इसलिए जीवन में कभी भी हार मानने वाले नहीं होते, घुटने नहीं टेकते। यही रीज़न है कि जीवन में बड़े से बड़े कष्ट को भी बड़ी सरलता से हैंडल टेकल करते हुए आगे बढ़ने वाले देखने को मिलते हैं। मेमोरी शार्प होती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं, छोटे से छोटे पुराने से पुरानी बातें इस कंडीशन में याद रहती है। लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ का कारक होता है ये, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी आपकी पढ़ाई लिखाई रहे या बहुत बड़ा डिग्रियाँ रहे, लेकिन ज्ञान बड़ा अच्छा देखने को मिलता है, सरलता से कोई चीज़ भूलते नहीं है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव था वो उम्र 25 और 27 के बीच में था। फिर यहाँ से रेखा निकल के ऊपर की तरफ उठ रही है, ये व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाती है, आगे चल कर के इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, तकरीबन 48 के एज के आसपास में। फिर लाइफ लाइन का फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पर भी इस प्रकार से जो ओवरलैपिंग होती है, ये जीवन शैली को पूर्णतः बदलती है। तो जो आपका 18 से लेकर के 21 का बीच का उम्र था, इसमें आपका जीवन शैली बदला है, जिसके अंतर्गत सुख सुविधा समृद्धि बढ़ी है। और फिर यहाँ पर जो सहयोगी रेखा निकल रही है, वो उम्र तब आपका यहाँ देखने को मिल रहा है तकरीबन 30 के आसपास में, और उसके बाद जा करके जीवन में स्पाउस का या बाहरी दुनिया, लोगों का, दूसरों का सहयोग अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सारी रेखाओं को सहयोगी रेखा कहते हैं, गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। इनका काम होता है जीवन रेखा को सहयोग देना, जिसके अंतर्गत तमाम तरह के उतार चढ़ाव को कम करना, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति दूसरों के सहयोग के द्वारा होना, या जब जब तकलीफ परेशानी जीवन में आना तो दूसरों के सहयोग से बाहर भी निकल पाना। तो ये उम्र 30 से अच्छा सहयोग दिख रहा है, और जीवन में भाग्योदय आपके एक तो दिख रहा है 35 की उम्र में, और एक दिख रहा है 42 के एज में, और यहाँ पर भी 42 के एज में बहुत अच्छा सुधार भी देखने को मिल रहा है। फिर जीवन रेखा बाहर की तरफ जो झुक रहा है, ये जन्म स्थान से दूर जाने अथवा रसने बसने के योगों को भी निर्मित करता है, और फिर ये मिडिल ऑफ द पाम आकर बायफोर्क हुआ, इसलिए एक से ज़्यादा जगहों पर खुद का रेसिडेंस अथवा घर होने के योग निर्मित होते हैं। लंबी आयु को यहाँ पर यह निर्मित करता है, और अब जीवन शैली बहुत स्मूथ हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा तकलीफ है, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है।
घरेलू तकलीफ परेशानी आपके तकरीबन 28 से 30 के बीच में भी आई थी, और फिर एक और आई थी उम्र तकरीबन 36 के एज में, लेकिन फिर उसके बाद से ज़्यादा कोई दिक्कत ऐसी दिख नहीं रही है। और फिर बात करेंगे अंदरूनी मंगल के बारे में, तो इसका क्षेत्र विकसित ठीक है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहें मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा, फिजिकल फिट और मेंटली अलर्ट दोनों देखने को मिलते हैं। जब भी कभी फोकस अपना रखते हैं अच्छा, उस टारगेट को डेफिनेटली अचीव कर पाने में सक्षम रहते हैं। पहले मंगल बड़ा हड़बड़ बोला किस्म का आपको दर्शा रहा है, और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको टीनेज के बाद ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद सेग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सारी चीज़ों पे बहुत आपने कंट्रोल किया है। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, ऐसा शुक्र लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य निर्मित करता है, लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखाएं हैं, ये सब के सब अनावश्यक चिंताओं को, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा जो बिल्ड होती है उसको दर्शा रहा है। फैमिली लाइफ के रिगार्ड थोड़ा सा स्ट्रेस वरीज कहीं ना कहीं बार बार, और फैमिली मैटर में, खासकर फैमिली मेंबर में किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग बार बार टेंशन होने जैसे योग को यह निर्मित कर रहा है। सीधे जितनी भी खड़ी रेखाएं, यह सब अपॉर्चुनिटी को अच्छा इंडिकेट करती है, जिसके तहत जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ने के योग निर्मित होते हैं। और केतु पर भी फिशली, मतलब फिश का सिंबल, लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस और अचानक से होने वाले धन लाभ या भाग्योदय की स्थिति को उत्पन्न करता है। आप जैसे जातक अध्यात्म, रुचि, धार्मिकता जितनी ज़्यादा रखते हैं, उतना ज़्यादा जीवन में सुख, सुविधा, समृद्धि बढ़ने के योग निर्मित होते हैं। यहाँ शुक्र से जो रेखा एक निकल रही है आपकी, जो ऊपर मरकरी की तरफ जा रहा है, तो इस कंडीशन में स्पाउस का सपोर्ट अच्छा मिलता है, और यहाँ पर भी शुक्र से ही रेखा निकल रही है। तो अगर आप अपने वाइफ के सजेशन के द्वारा कोई बिजनेस करते हैं, और उनके सहयोग से या उनके द्वारा, तो उन सारे कार्य से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। और चंद्र के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखा हो, तो यात्राओं को सौभाग्य अच्छा मिलता है, तो छोटी मोटी यात्राओं से देश विदेश तक की यात्रा भी रहती है, थोड़ा ध्यान जल्दी भटकता है इस कंडीशन में। मनी ट्रायंगल देखेंगे तो फॉर्मेशन तो बन रहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन नहीं है मनी ट्रायंगल का, तो पैसा तो जीवन में बेशक आएगा ही, रुकेगा नहीं, थोड़े खर्चे ज़्यादा बंधेंगे। और ये जो रेखा है, इसे पूर्व पुण्य रेखा, डेडिकेशन लाइन कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का व्यक्तित्व देता है। मेहनत सही डायरेक्शन में लगाया जाए, कंटिन्यूटी के साथ काम किया जाए, यानी बार बार ध्यान ना भटके, एक ही जगह लगातार काम करते रहे, तो बहुत बड़ा पद प्राप्ति या मान सम्मान, उन्नति प्राप्त होने के योग निर्मित होते हैं। वैसे तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों बहुत हद तक सुधर रही है, सिर्फ एक दो जगह स्वास्थ्य हानि दिख रहा है, बाकी तो कहीं कोई तकलीफ आपको मेजरली शो नहीं हो रहा है। और जब भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है, तो सिर्फ और सिर्फ खुद के मेहनत से आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के दूसरों का सहयोग मिलता है। जितना मेहनत करेंगे उससे अच्छा ही रिजल्ट पाएंगे, लेकिन कभी अगर किसी पर अपेक्षा ज़्यादा की डिपेंडेंसी रखी, तो बार बार वो एक प्रकार से उम्मीदें टूटती इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि आप जो भी करेंगे सब खुद पे, किसी पर आश्रित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसीलिए माइंड लाइन के बाद में राइट और लेफ्ट हैंड में भी आपकी भाग्य रेखा तीव्र गति से चलने लग रही है, तो खुद के द्वारा जो भी निर्णय लेंगे या काम करेंगे उससे आपको सफलता अच्छा मिलेगा। बस सेविंग इश्यूज थोड़ा सा दिख रहा है, तो सेविंग पर भी आपको ध्यान देना है, कहीं ना कहीं अपना पैसा फंसा करके रखना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है, ताकि आगे चल करके धन के विषय में कोई चिंतन मनन या तकलीफ ना रहे। बाकी बच्चे तो लायक निकलेंगे ही, ओल्ड एज में बहुत अच्छी सेवा उनके द्वारा आपको प्राप्त होगी। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।